ये देखो दोस्तों, मैंने चोलिस्तानी स्टाइल में आलू कढ़ाई बनाई है। इसकी जो रेसिपी है ना, एकदम सिंपल है, तरीका भी एकदम आसान है, लेकिन जो टेस्ट आएगा एकदम गजब है यार। और मेरे चटरों, कैसे हो आप? एक ही कढ़ाई में इसका सारा प्रोसेस हो जाता है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आलू कढ़ाई बनाना। रेसिपी दोस्तों आलू से स्टार्ट करेंगे, और ये कच्चे हैं, जंबो साइज के लिया हूँ मैं 4 पीस। इनको अच्छी तरह छील लेंगे, छीलने के बाद इनके बड़े बड़े पीस काटने हैं। ये रेसिपी में हम लोग टमाटर के साथ आलू को बहुत देर तक सेकेंगे, तो पीसेस को बढ़िया रखिए वरना ये बिखर जाते हैं। मैंने ये 1/4 किया है आलू का, और 4 आलू थे, 16 पीस हो गए अपने। अब हम लोग कढ़ाई गरम करते हैं। इसमें ऐसी लोहे की कढ़ाई बेस्ट रहेगी, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा अलग ही है। लोहे की कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है नींबू सद से। अब हम लोग इसमें सरसों का तेल गरम करेंगे। ये मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच लिया है। ये पूरी रेसिपी हाई हीट में बनेगी, फुल फ्लेम पर। तेल को डालने के बाद ऐसे साइड साइड में भी तेल को लगा देंगे, ताकि अपने आलू नहीं चिपके कढ़ाई में, और तेल एक बार गर्म हो जाए बस फिर हम लोग आलू डालेंगे। लेकिन पानी में एक बार धो लीजिएगा आलू को। तो मैंने पानी में धोकर एक्स्ट्रा पानी हटाकर अब ये आलू डाल दिया है। इसी में टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। आलू को अभी हम लोग को शैलो फ्राई करना है। नमक इसमें आप थोड़ा तेज़ ही रखिएगा। हीट मैंने जैसे बताया था दोस्तों, फुल पे ही रखना है, तो हाई हीट पे ये कुक होगा, और बीच बीच में आप ऐसे ढक्कन लगा सकते हो। आलू को अभी हम लोग को लाइट सुनहरा करना है, लाइट गोल्डन करना है। साथ में इसमें टमाटर डलेगा बाद में, तो उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी कुछ खास नहीं है, बस आलू मतलब टमाटर को आपको 4 पीसेस में कट करना है, बस इतना ही करना है। मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। आलू को भूलना नहीं है दोस्तों, हर मिनट में उसको भूनते रहेंगे, मतलब चला चला कर। बस इसमें ऐसा कलर आ जाए ना, आप देख सकते हो साइड साइड में गोल्डन कलर आ चुका है। ये आलू अभी अध पका है, तब हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे। ये मैंने 4 टमाटर लिए है, वही 4 पीसेस में काट कर, और साथ में ये 1 चम्मच जीजी पेस्ट है, मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट। टमाटर जी और जीजी को हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप इसमें ढक्कन लगा सकते हो, ताकि ये फटाफट से पक जाए। कच्चापन हटाना है दोस्तों हम लोग को जिंजर गार्लिक का। अभी आप देख सकते हो टमाटर से स्किन अलग होने लगी है, बस अभी इतना ही पकाना था हम लोग को। ये एकदम आराम से निकल जाएगा, ये गलता नहीं है दोस्तों अपना, टमाटर का जो स्किन होता है ना, तो इसको हम लोग हटा लेंगे। बाकी सब ग्रेवी में घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी आपको दिख रहा है, जो सिकुड़ रहा है, उसका छिलका आप ऐसे हटा लीजिए, और फिर हम लोग इसको तोड़ना भी स्टार्ट कर देंगे। तो अपनी करछी से टमाटर को ऐसे मैश करना है। एक दो बार करते हैं तो ये पूरा चकनाचूर हो जाता है। ये स्किन हटाने के बाद और थोड़ा बहुत मैश करने के बाद हम लोग इसमें पानी डाल देंगे 1 कप, और फिर हम लोग इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसमें टमाटर अच्छी तरह गल जाए। बस इसमें पकाने का ही खेल है दोस्तों, टमाटर पहचानने में नहीं आना चाहिए। बीच बीच में ऐसे मैश करते रहिएगा अगर टमाटर के पीसेस दिख रहे हैं तो। ये मैंने पूरा पका लिया है, अभी आप देख सकते हो आलू भी सिक गया ऑलमोस्ट। अब हम लोग इसमें डाल देंगे मसाले, एकदम सिंपल है। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, ये स्पाइसी नहीं है, वो कश्मीरी वैरायटी वाला है। ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। 1.5 चम्मच हम लोग इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ ही में 1/2 चम्मच जीरा, ये मैंने जीरा का पाउडर लिया है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। सारा फ्लेवर इसी का ही रहेगा। अगर आपने अभी ही पीस कर लिया है, मतलब एकदम ताज़ा पाउडर है काली मिर्च का, तो 1 चम्मच यूज़ करिए। लास्ट में मैंने इसमें 1/2 चम्मच ये मिर्चा भी डाला है, मतलब जो चिली फ्लेक्स होता है ना। सारे मसाले हो गए, अब इसको हम लोग भूनेंगे 1 मिनट तक। ये रेसिपी में वैसे और ऑयल डलता है, आप चाहो तो और डाल सकते हो अभी, मैं तो भाई पानी डालकर इसको पकाऊंगा। सब्ज़ी का पूरा प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, पानी को हम लोग एक बार उबाल लेते हैं, और फिर इसमें डलेगी ये रेसिपी की जान, मतलब हरी मिर्च। जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल सकते हैं, ये ऐसे अलग से खाने में बड़ा मज़ा आता है। अपनी हरी मिर्च को 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि ये भी थोड़ी सिक जाए और अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। बस लास्ट स्टेप रहा है दोस्तों, इसमें हम लोग 1/2 कप दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये अपने घर की दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को फेंट कर सब्ज़ी को एक बार चला लेंगे, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाए, और फिर दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मैंने थोड़ा बहुत अदरक भी डाला है, मस्त लगता है ये।
दही एक बार मिल जाए और फिर अपनी ये आलू कढ़ाई रेडी है दोस्तों, पूरी चटपटी लगती है। इसमें अगर आप जैसे मैंने बताया था ना, लाल मिर्च नहीं डालो तो भी चलेगा, फिर तो ये बच्चे भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च ज़रूर से डालिएगा, सारा मज़ा उसी का ही है। मैंने इसको सर्व किया है अदरक के लच्छे और हरा धनिया के साथ। कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन ट्राई करना ज़रूर बनता है। सामान सिंपल है, प्रोसेस भी सिंपल सा ही है, लेकिन टेस्ट मैंने जैसे बताया था ना, गज़ब आता है। मिलता हूँ जल्द और वीडियोस के साथ, आज के लिए इतना ही।